कमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। और मार्केट पे सुबह से ही देखें तो सोने और चांदी की कीमतों पे हायर लेवल्स पे आज दबाव देखने को मिल रहा है। और ये त्योहारी सीजन शुरू होने के बावजूद इतने हायर लेवल पे सेलिंग इसलिए क्योंकि यूएस फेड से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एटलीस्ट एक रेट हाइक इस साल के अंत तक यूएस में होती हुई नजर आएगी। तो वो एक ट्रिगर जो है वो प्ले कर रहा है ग्लोबल मार्केट पे भी और घरेलू मार्केट में भी। आज कीमतें गिरी हैं, चांदी पे 1.5% के आसपास की गिरावट और सोने में भी आज के सत्र में चाल पलटी, लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन साथ साथ क्रूड बिल्कुल फ्लैट है, आज कोई बहुत बड़ी तेजी या फिर मंदी नहीं बनी डोमेस्टिक मार्केट पे। देखना होगा क्या कुछ ट्रिगर्स जो प्ले आउट हो सकते हैं। रविंद्र राव जी मेरे साथ से मौजूद हैं आनंद राठी से। रविंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले सोने और चांदी पे आउटलुक बताएं, एक तो शॉर्ट टर्म की रणनीति बता दें और त्योहारी सीजन को देखते हुए ये पोजिशनली अट्रैक्टिव लग रहा है क्या सोने और चांदी मौजूदा स्तरों पर? गुड आफ्टरनून रजत जी। हाँ, मुझे लगता है कि एक अच्छा बाइंग लेवल है गोल्ड में। आपने जैसे बताया कि फेड का जो रेट हाइक दिसंबर में जो करने का जो डिसीजन है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट में। अच्छा। बट उनका जो बैलेंस शीट अनवाइंडिंग का जो टाइमलाइन आया है उससे हमने थोड़ा सा एक गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग देखा है। बट जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बैकग्राउंड में है प्लस अभी इंडिया में फेस्टिव सीजन है तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे बाइंग री एमर्ज हो सकता है। और इंटरनेशनली मुझे लगता है कि 1288 का काफी अच्छा सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड है तब तक फिर से एक बार चार से किए 1310-1315 तक जाए ऊपर में। और पोजिशनली भी मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कंसिडर करते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए रादर देन गोइंग फॉर। अच्छा, और चांदी पे क्या आउटलुक है सर? एक तो बेस मेटल्स में कमजोरी है, दूसरा अभी ये जो हम प्रेशियस मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर खरीदारी है नहीं, तो चांदी पे यहाँ से और डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप, या फिर एक बाउंस बैक होगा, एक तेजी बनेगी इन लेवल से? जी, गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड ज्यादा बेटर है क्योंकि जैसे आपने बताया इंडस्ट्रियल मेटल्स पे थोड़ा सा एक प्रेशर था मॉर्निंग में, लेकिन अभी हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है इंडस्ट्रियल मेटल्स में। तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक प्रेशर बना रहे सिल्वर में, लेकिन सिल्वर अल्टीमेटली प्रेशियस मेटल पैक को फॉलो करेगा, दैट इज गोल्ड को। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में भी एक बाइंग री एमर्ज हो सकता है। मुझे लगता है कि 40,000 से 40,200 तक का एक लेवल वेरी मच पॉसिबल है। तो अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 39,600 के आसपास इट्स अ गुड बाइंग लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 39,400 फ्रॉम इनसाइड ऑफ। अच्छा, क्रूड पे शॉर्ट टर्म रणनीति बताएं, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या क्रूड पे बिकवाली हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि क्रूड एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ और क्रूड में कोई मेजर फंडामेंटल चेंज नहीं है। जैसे $50 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें यूएस प्रोडक्शन बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ओपेक से कंप्लायंस रेट भी काफी लो है, हालांकि वो कट कर रहे हैं प्रोडक्शन लेकिन कंप्लायंस रेट इज वेरी लो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे हम फिर से इसमें एक सेलिंग देख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 3,300 का एक अच्छा लेवल है शॉर्ट करने के लिए। 3,320 का। अच्छा रविंद्र जी, आखिरी सवाल होगा, ये बेस मेटल्स पे आज के सत्र में ज्यादातर बेस मेटल्स एज अ पैक गिरावट है, कोई अट्रैक्टिव इन लेवल्स पे कॉमोडिटी लग रही है जहां पर पुल बैक के चांसेस ज्यादा हों? जी, मुझे लगता है कि एक कॉपर है, कॉपर में चांस है कि फिर से एक बार 326 से 327 तक प्राइजेस आए, 426 तक आए, 417 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड है तब तक एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और दूसरा जो कमोडिटी वो निकल है, निकल में हमने एक रिकवरी नहीं देखी है, हालांकि जिंक कॉपर और लेड तीनों में एक रिकवरी आई है। निकल में भी मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक आ सकता है टुवर्ड 737-740। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे एल्यूमिनियम काफी अच्छा लग रहा है, एल्यूमिनियम माइंड टू अपटिल 140-145, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड बाय। चलिए, कॉपर एल्यूमिनियम निकल पे नजर रखनी होगी। जो टारगेट्स हैं ये 426 का टारगेट है, 417 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, फिलहाल 422 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए।